गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, योर साइंस सर, एम के सर, वार्म वेलकम टू एवरी वन इन टूडेज क्लासेस। टूडे वी डिस्कस अबाउट द एवरी क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट इन अ सिंगल क्लासेस। फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग आपने बनाया होगा, जो भी हम लोग ने डिस्कस किया था उसी बेसिस पे इसके क्वेश्चंस बनेंगे। और मैच द फॉलोइंग बनाते समय हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मैचिंग नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में भी इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो मैच द फॉलोइंग करेंगे उस समय सामने सामने आंसर को लिखेंगे। इससे सुविधा ये होता है कि आपको मैच द फॉलोइंग करते समय आप दूसरे का दूसरे में टच नहीं करोगे और एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में सुविधा होती है और आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। फर्स्ट वन इज स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन। बच्चे हम लोग डिस्कस करते हुए पढ़ेंगे, हर एक चीज़ को फिर से रिवाइज करते हुए चलेंगे। स्टोमेटा हैज़ अ टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा जो है क्या होता है बच्चों, सरफेस ऑफ लीव्स में छोटे छोटे जो पोर्स पाए जाते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, दैट इज कॉल्ड स्टोमेटा। स्टोमेटा का आंसर क्या होगा बच्चों, ट्रांसपिरेशन, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वाटर का रिलीज होता है, इसलिए इसका मैच द फॉलोइंग में होगा ट्रांसपिरेशन। सेकेंड आपका दिया है जाइलम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था कि जाइलम का जो है वो आंसर क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। कैसे, जाइलम का हमने फंक्शन पढ़ा था कि जाइलम ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स। और फ्लेम का हमने फंक्शन पढ़ा था, फंक्शन ऑफ फूड, मतलब फूड को ट्रांसफ़र करने में फ्लेम का मदद होता है। और जाइलम क्या करता है बच्चों, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसफ़र करता है, वाटर और मिनरल्स को ट्रांसफ़र करता है, इसलिए मैच द फॉलोइंग में इसका आंसर होगा जाइलम का ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। थर्ड वन इज रूट हेयर्स। रूट हेयर्स एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। बच्चों आपको मैंने बताया था कि रूट जो होते हैं वो इस तरह के होते हैं, सॉइल्स में पकड़े हुए रहते हैं। हमने सिक्स क्लास में डिस्कस किए होंगे, आपने को जिसने पढ़ाया होगा उसने आपको बताया होगा कि जो रूट्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, टैप रूट्स, फाइब्रस रूट, लेटरल रूट्स। वो हम लोग देख लेंगे एक बार छोटा सा। टैप रूट जो होता है वो मेन रूट होता है बच्चों, जो सीधा होता है, जैसे ये चौक है, ये क्या बच्चों, एक सीधा है, ये टैप रूट है, ये सीधा जाएगा। उसके बाद बच्चों क्या, लेटरल रूट्स होते हैं जो इस तरह से साइड साइड से निकले रहते हैं बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं लेटरल रूट्स, ठीक है। उसके बाद है आपका फाइब्रस रूट, जैसे कैरोट्स के, कैरोट्स के जो रूट्स होते हैं बच्चों वो फाइब्रस रूट्स होता है, वो इस प्रकार का होता है, ये फाइब्रस रूट होता है, इसमें मेन रूट्स होता ही नहीं है, इसलिए इसको हम लोग फाइब्रस रूट्स बोलते हैं। आप प्लांट्स, कोई भी प्लांट्स को आप जब निकालोगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा कि उसमें कौन से रूट्स हैं। तो रूट्स क्या करता है बच्चों, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। देखिए वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है सॉइल से, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। नेक्स्ट आपका है फ्लेम ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फ्लेम क्या करता है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया इसलिए इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर टू, डैट इज फिल इन द ब्लैंक्स। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी बाय आर्टरीज। बच्चों द ब्लड क्या करता है, हार्ट से क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट्स ऑफ द आर्टरीज। हमने दो तीन बार पहले पढ़ चुके हैं कि आर्टरीज कैरी द ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, हार्ट से दूर क्या करता है, उसको कैरी करता है। नाउ सेकेंड इज हेमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। मैंने आपको बताया था कि रेड ब्लड क्यों होता है, ब्लड इज रेड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। और हेमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है बच्चों, जनरल साइंस के तौर पे आप इसको याद रख लीजिए कि हेमोग्लोबिन में जो है वो आयरन पाया जाता है। और आयरन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, Fe इज द फॉर्मूला ऑफ आयरन। नाउ थर्ड वन इज आर्टरीज एंड वेन्स आर ज्वाइंट अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। आर्टरीज एंड वेन्स बच्चों, जैसे ये चौक है, ये आपके मेरे हैंड्स हैं, तो ये मान लीजिए आर्टरीज और वेन्स ज्वाइंट होता है, बीच में क्या होता है, कैपिलरीज होता है, जो एक थीन ट्यूब्स होता है, इस प्रकार का आप याद रख सकते हैं। ऐसे ऐसे उसमें थीन ट्यूब्स होते हैं,
जो क्या करता है, आर्टरीज और वेन को जोड़ता है। ठीक है बच्चों, तो आर्टरीज एंड वेन्स को जोड़ने वाले को क्या बोलते हैं बच्चों, कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरीज एंड वेन्स ज्वाइंट बाय नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। फोर्थ है आपका, द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड हार्ट बीट। देखिए बच्चों, मैंने आपको पूछा था कि एक मिनट में हार्ट बीट कितना होता है, कितने बार दिल की धड़कन जो है वो धड़कता है। आपने ऐसे डायलॉग्स भी बहुत बार सुने होंगे। द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, बच्चे एक्सपेंशन मतलब होता है फैलना, कॉन्ट्रैक्शन मतलब होता है सिकुड़ना। एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का वो हमें पता है। तो रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन वही पूछ रहा है, जो हार्ट का होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, हार्ट बीट बोलते हैं। ठीक है, जिसमें लव और डब की आवाज़ सुनाई देती है, लव डब आप लोग हाईएस्ट क्लास में सुनोगे कि आपको ये पढ़ने को मिलेगा, लव और डब के साउंड्स वहाँ पे क्लास 11th में। द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन इज यूरिया। देखिए ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स होते हैं, इसमें पूछा मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो क्या होता है बच्चों, यूरिया होता है। तो थोड़ा सा और ठहरिएगा, पढ़ते चलेंगे, ध्यान अपना यहाँ पर रखिएगा। द मेन एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स इन ह्यूमन इज यूरिया। तो अब तक हम लोगों ने फिल इन द ब्लैंक्स के 5 पॉइंट्स को देखे, और ऐसे ही हम लोग आगे समझते हुए चलेंगे और एक एक पॉइंट्स को देखते हुए चलेंगे और ध्यान से सुनते हुए याद भी करते चलेंगे। द 7-1 इज किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। मैंने आपको बताया था बच्चों कि किडनी जो होता है वो आपका फिल्ट्रेशन यूनिट होता है। जिस प्रकार से आपके घर में आरओ है वो पानी को छानता है, उसी प्रकार से किडनी क्या करता है, हमारे बॉडी के लिक्विड को फिल्टर करता है, फिल्टर करता है। तो वाटर जो होता है वो फिल्टर किसके द्वारा होता है बच्चों, किडनी के द्वारा होता है। तो किडनी एलिमिनेट द वेस्ट मटेरियल इन द लिक्विड फॉर्म कॉल्ड यूरिन। नेक्स्ट, water reaches great height in the trees, because of suction pull caused by transpiration. देखिए बच्चों, जब sunlight ज़्यादा पड़ता है तो क्या होता है, transpiration भी आपका fast होता है, आपका नहीं plants का। Water reaches great height in the trees because of suction pull caused by transpiration. Transpiration के कारण क्या होते हैं, water जो होते हैं वो आपके नीचे से ऊपर की ओर आते हैं। ट्रांसपिरेशन में क्या हमने पढ़ा था बच्चों, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स इज कॉल्ड ट्रांसपिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नेक्स्ट वी डिस्कस द ऑप्शनल क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3, चूज करेक्ट ऑप्शन। तो चूज करेक्ट ऑप्शन में हमें 4 में से किसी एक ऑप्शन को चुनना है। यहाँ पे मैंने आपका डायरेक्ट आंसर को लिख दिया है, इन प्लांट्स वाटर इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू जाइलम। आपके में 4 ऑप्शंस दिए हैं, इन उसमें से आपका राइट आंसर क्या है बच्चों, जाइलम है। बी में आपका, वाटर एब्जॉर्प्शन थ्रू रूट्स कैन बी इंक्रीज्ड बाय कीपिंग द प्लांट अंडर द फैन। ठीक है बच्चों, तो ये आपके हो गए आंसर क्वेश्चन ऑफ 3 के ऑप्शनल क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन व्हाई ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इज नेसेसरी इन अ प्लांट और इन एनिमल्स। ट्रांसपोर्ट जो होता है मटेरियल्स का वो नेसेसरी क्यों है प्लांट्स और एनिमल्स में। देखिए कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, सबको ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स, सबके बॉडी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स होना ज़रूरी है। इसमें लेकिन पूछा है प्लांट्स और एनिमल्स के केस में, तो हम लिखेंगे द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए बच्चों, आप गाइड से आंसर नहीं लिखिएगा, आपको जो मैं लिखा रहा हूँ वो लिखिए, क्योंकि गाइड ने बहुत सारे आंसर्स जो होते हैं बड़े बड़े लिख दिए जाते हैं, आपको समझ में नहीं आएगा, सेंटेंस टफ यूज़ किया जाता है और अनवांटेड मटेरियल्स जो होते हैं वो ज़्यादा लिख दिए जाते हैं। इसमें जितना पूछा जाए उतना ही जवाब लिखना है, ये साइंस है, यहाँ पे भाषणबाजी नहीं चलेगा। आपको जितना बोला जाए उतना ही लिखिए, ज़्यादा अनवांटेड चीज़ें मत लिखिए। तो क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स जो वो नेसेसरी क्यों होता है। अगर किसी में ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल नहीं होगा, मान लीजिए आपके बॉडी में ब्लड फ्लो नहीं होगा, तो आप क्या जिंदा रह पाएंगे, असंभव।
तो ये जो है ट्रांसपोर्ट और जो मटेरियल्स हो रहा है वो नेसेसरी क्यों है, फॉर द सर्वाइवल्स, उनके जीवित रहने के लिए ट्रांसपोर्ट और मटेरियल्स होना ज़रूरी है, इसलिए हम लिख सकते हैं फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है बच्चों, ट्रांसपोर्ट और मटेरियल्स इज नीडेड। जाइलम एंड फ्लेम अकर्स इन प्लांट्स, जाइलम एंड फ्लेम का जो फंक्शन होता है वो किस में होता है बच्चों, प्लांट्स में होता है, जाइलम एंड फ्लेम का फंक्शन प्लांट्स में होता है। बाय ब्लड एंड ब्लड सेल्स एंड ब्लड वेसल्स जो होते हैं एनिमल्स में होते हैं, ब्लड हो गए, ब्लड वेसल्स हो गए, ब्लड के सेल्स हो गए, जो हम लोगों ने क्या पढ़ा था बच्चों, RBC, WBCs, वाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स, ये सब क्या है हमारे ब्लड सेल्स हैं, हमने बताया था आपको। रेड ब्लड सेल्स के फंक्शन, वाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शंस, प्लेटिलेट्स हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग एंड रेड ब्लड सेल हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड मटेरियल्स फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी में क्या करता है, ट्रांसफर करने में मदद करता है। नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चंस, What happen if there are no platelets in the blood? What happen if there are no platelets in the blood? क्या होगा अगर आपके बॉडी में if there are no platelets, कोई platelets नाम का सेल ही नहीं है, तो क्या होगा बच्चों, platelets अगर नहीं होगा तो अगर आपके हाथ कट गए, पैर कट गए, अगर कहीं भी दुर्भाग्यवश कहीं चोट लग जाता है तो आपका ब्लड क्या होगा, कंटिन्यूसली फ्लो हो जाएगा, और आपके जो ब्लड फ्लो होने लगेंगे तो फिर क्या होंगे, रेगुलर खून निकलता रहेगा और आप मर सकते हैं। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, प्लेटिलेट्स होना ज़रूरी है ताकि आपका ब्लड जो क्या हो, कोगुलेट हो सके और आप सेफ रह सके। तो बोलते हैं विदाउट प्लेटिलेट्स द ब्लड कैन नॉट कोगुलेट, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, विदाउट प्लेटिलेट्स द ब्लड कैन नॉट कोगुलेट, इट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन What are stomata and give two functions of stomata? देखिए आंसर क्वेश्चन लिखाने का बस मेरा एक ही मोटो है, मेरा एक ही सोच है कि मैं आपको कम से कम वर्ड्स में सही आंसर लिखा सकूं, क्योंकि आप जितना कम में सही आंसर लिखते हो टाइम और मार्क्स दोनों के फ़र्क पड़ते हैं और एक इम्प्रेशन जो होता है आपका एग्जामिनर के माइंड में एक अच्छा बन पाता है। What are stomata? Give two function of stomata. स्टोमेटा के जो फंक्शन है वो क्या, आपके एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पहले ही पढ़ाई किया था कि स्टोमेटा जो होता है टीनीपोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स विच हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस में कौन से होंगे, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड इन ट्रांसपीरेशन, जो छोटे छोटे पोर्स प्रेजेंट होते हैं लिप्स में वही हेल्प करता है ट्रांसपीरेशन में, तो इसको हम कह सकते हैं कि स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड हेल्प इन द ट्रांसपीरेशन। नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, डैट इज क्वेश्चन नंबर 7, डज ट्रांसपीरेशन सर्व एन यूजफुल फंक्शन इन प्लांट, वाई नॉट, यस ट्रांसपीरेशन हेल्प इन कूलिंग ऑफ प्लांट। देखिए ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पोर्स ऑफ लीव्स, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बाय द प्लांट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन में क्या होता है, लॉस होता है किसका, वाटर का। कहाँ से आता है वाटर, रूट से लेके पूरा अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है, तो जैसे जैसे वाटर जाएगा, ठीक है, जैसे कोई व्यक्ति नहाने के बाद, जैसे कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म नहाने के बाद बॉडी उसका ठंडा हो जाता है, उसी प्रकार से प्लांट्स में क्या होता है, जैसे जैसे पानी ऊपर को जाएगा प्लांट्स भी क्या होता है, कूल रहता है, ड्राई नहीं होता है और वो जीवित रहता है। नेक्स्ट वी डिस्कस द व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड्स। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम लोगों ने पढ़ लिया कूलिंग वाली प्लांट्स, ठीक है, मतलब कूल होता है प्लांट्स, ठीक है। व्हाट आर कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड, तो कंपोनेंट्स जो होता है वो ब्लड आपका क्या है, RBCs, रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स। मैंने आपको बताया था कि ब्लड्स के कंपोनेंट्स जो होंगे आपके रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल एंड प्लेटिलेट्स होंगे, और इसमें एक आप लिख सकते हैं प्लाज्मा, द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड, जो फ्लूइड पार्ट होते हैं ब्लड में उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, प्लाज्मा बोलते हैं। और प्लेटिलेट्स के बारे में मैंने बताया था, विच हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड को क्लॉट कर देता है। वाइट ब्लड सेल फाइट अगेंस्ट जर्म्स, जर्म्स के खिलाफ, जैसे आपने कोलगेट का प्रचार देखा होगा टीवी में, फाइट करता है जर्म्स, उसी प्रकार जो वाइट ब्लड सेल्स प्रेजेंट रहते हैं सेल्स,
वाइट वाइट नहीं आप सोचना कि कोई वाइट कलर का ब्लड आपके बॉडी में घूम रहा है, सेल्स है, दैट इज वाइट ब्लड सेल्स विच फाइट अगेंस्ट जर्म्स। नेक्स्ट इज रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल मैंने बताया था विच हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी, पूरे बॉडी में, टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी में पूरे ट्रांसफर करने में मदद करता है आपका रेड ब्लड सेल्स। नाउ वी डिस्कस द अदर क्वेश्चन, इतने आपके हो गए, अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को डिस्कस करेंगे। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 9, व्हाई द ब्लड नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ ए बॉडी। बताइए ब्लड क्यों जरूरत होता है, क्यों जरूरी होता है, क्यों नीडेड होता है बाय ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो चाहे एनिमल्स हो, ब्लड तो रहना ही है, नहीं रहेगा तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है जीवित नहीं रह सकता, संभव है। बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट, इसके आंसर को फॉलो करेंगे, बिकॉज इट ट्रांसपोर्ट सबस्टांस लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी एंड ट्रांसपोर्ट वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। देखिए क्या क्या करता है इसके हम अंडरलाइन करेंगे, लाइक डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू द अदर पार्ट्स ऑफ बॉडी। देखिए छोटी आंत होती, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग छोटी आंत बोलते हैं, वहाँ से डाइजेस्टेड फूड को लेके पूरे बॉडी में क्या करता है बताइए, पूरे बॉडी में क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, हम लोग कीवर्ड्स को पकड़ के समझेंगे, इट ट्रांसपोर्ट डाइजेस्टेड फूड स्मॉल इंटेस्टाइन अदर पार्ट्स बॉडी, ट्रांसपोर्ट वेस्ट रिमूवल फ्रॉम बॉडी, इसका मतलब क्या समझे। मैंने कीवर्ड्स को टच किया ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए, ट्रांसपोर्ट करता है वेस्ट मटेरियल्स को और वेस्ट मटेरियल्स को बॉडी से निकलने के लिए मदद करता है और ट्रांसपोर्ट करता है डाइजेस्टिव फूड मटेरियल्स को छोटी आंत फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। आपने पहले के चैप्टर से पढ़ा होगा कि जो फूड का डाइजेशन होता है वो कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। ठीक है बच्चों, जिसकी लेंथ कितनी होती है, सुनने में तो स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल जैसा है लेकिन उसका लेंथ कितना होता है बच्चों, आप यहाँ पे जब ये वर्ड आ ही गया तो आप समझ लीजिए इसका जो लेंथ होता है 7.5 मीटर लॉन्ग। ठीक है बच्चों, और लार्ज इंटेस्टाइन का कितना होता है बच्चों, 1.5। ठीक है, सुनने में छोटा लेकिन है बड़ा, ये ध्यान में रखिएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन स्मॉल आगे लगा हुआ लेकिन 7.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन का है ये 1.5 मीटर, लार्ज इंटेस्टाइन का लेंथ है। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट मेक्स द ब्लड लुक रेड, क्या चीज पाया जाता है ब्लड में जिसके कारण ब्लड रेड होता है। तो इसका आंसर सिर्फ वन वर्ड में लिख दीजिए आप, हेमोग्लोबिन, कोई भी मार्क्स नहीं काटेगा, शॉर्ट आंसर। अब इसमें आप इतने बड़े सेंटेंस लिखोगे द ब्लड लुक्स रेड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन तो भी उतना ही मार्क्स मिलेगा, और केवल एक वर्ड भी लिख दोगे हेमोग्लोबिन तब भी उतना ही मार्क्स मिलेगा। नाउ वी डिस्कस द क्वेश्चन नंबर 12, व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स को एक्सक्रीट करना, रिलीज करना क्यों ज़रूरी होता है। देखिए कोई भी अगर घर में डस्टबिन में जब कचरा जम जाता है ना तो उसको भी लोग फेंक देते हैं, क्यों, क्योंकि वो हमारे घर के लिए अच्छा नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारे बॉडी के लिए वेस्ट प्रोडक्ट्स जो होता है उसको हम जमा करके नहीं रख सकते अपने डस्टबिन, स्टोमैक हमारा क्या एक तरह का क्या है, आप इसको समझो डस्टबिन है, इसमें जब आप डस्ट भरते जाओगे तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा। तो एक्सक्रीट करना ज़रूरी है, एक्सक्रीशन में मैंने बताया था रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। ठीक है, तो मैं आपको यहां लिख देता हूं रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द बॉडी। ठीक है बच्चों, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं, दैट इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीट, एक्सक्रीट लिखा हुआ है यहां पे। ठीक है, तो व्हाई इज इट नेसेसरी टू एक्सक्रीट वेस्ट प्रोडक्ट्स, क्यों
जरूरी है फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म्स। अगर हम सिर्फ एक सेंटेंस में लिखते हैं तब भी आपका कोई मार्क्स नहीं काट सकता है, क्योंकि जीवित रहने के लिए एक्सक्रीशन करना जरूरी है, एक्सक्रीट करना जरूरी है। तो फॉर सर्वाइवल ऑफ, सर्वाइवल का मतलब क्या होता है वो समझेंगे हम लोग। सर्वाइवल का मतलब होता है जीवित रहना, ठीक है, जिंदा रहना। जिंदा रहने के लिए हमें क्या एक्सक्रीट करना जरूरी है, इसको हम लोग स्टोर नहीं कर सकते हैं। फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उसमें आप ये आप ध्यान में रख सकते हैं। फॉर सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स, ये आप आंसर में लिख सकते हैं। ये छोटे छोटे आंसर आपको जो मैं लिखा रहा हूँ ये आपको गाइड में, रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए इसको आप कॉपी करेंगे, समझेंगे, नोट्स बनाएंगे और परमानेंट मेमोरी में सेट करेंगे। सेट कैसे होगा, ऐसे उठा के नहीं डाल देने का, समझना है, समझना है, फिर अपने आप वो धीरे धीरे एनालिसिस करोगे कि सर ने क्या बोला था, क्या लिखवाया था, ऑटोमेटिक वो आपके परमानेंट में सेट हो जाएगा, ठीक है। ये कोई माउस नहीं है घुमाया और क्लिक कर दिया, ये एक तरह का कंसंट्रेशन पावर आपको दर्शाना पड़ता है कि कितने ध्यान से आप सुन रहे हो और कितने फास्ट से आपके दिमाग रिकॉल कर सकती है। नाउ द क्वेश्चन नंबर 13 इज ड्रॉ द डायग्राम ऑफ ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। आप डायग्राम को देख सकते हैं, डायग्राम को आप देखते समय ध्यान में रखेंगे कि किस किस नाम को आपको ध्यान से पढ़ना है, किस किस नाम को, पूरे नाम को ध्यान से पढ़ना है और याद रखना है। और एग्जाम्स में अगर आप नाम नहीं लिखोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। और ये 100% मेरे तरफ से आएगा, बाद बाकी जो एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है क्वेश्चन देता है या नहीं देता है, लेकिन ये कॉमन क्वेश्चन है, वो हर बार पूछा जाता है, इसलिए आप 90% इसको आप श्योर मान के चलिए कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो ये डायग्राम आप ज़रूर पढ़ लेंगे। और मैं आपको एक होमवर्क देना चाहता हूँ, जो आपका क्वेश्चन नंबर क्या था बताइए, फंक्शन ऑफ हार्ट वाला कितना का नंबर था, क्वेश्चन नंबर 12। वो आपको क्वेश्चन जो है आपको लिखना है और मैं उसके लिए एक अलग क्लास में आपको बताऊंगा फंक्शन जो होता है वो हार्ट का कैसे होता है, कैसे हार्ट जो हमारा काम करता है, ठीक है बच्चों। तो आज के क्लास में इतना ही, और आप सभी आंसरों को अच्छे से लिखेंगे और मैं आशा करता हूँ कि आप इस आंसर को याद भी रखेंगे, और जब आप पढ़ोगे ना तो दो बातों का ध्यान रखना, कॉपी पेन साथ में होना चाहिए, ठीक है, और ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखेंगे, क्लासेस को अटेंड करेंगे। थैंक यू बच्चों।